गाइस मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ Realme 7 Pro स्मार्टफोन को लेके। जी हाँ गाइस, क्योंकि Realme 7 सीरीज को लेके काफ़ी सारे लीक्स निकाल के सामने आ चुका है। Realme 7 Pro जो टीना सर्टिफाइड हो चुका है एंड स्मार्टफोन का ऑलमोस्ट हर एक स्पेसिफिकेशन रिवील हो चुका है। एंड जैसे कि अभी 10 चल रहा है 5G डिवाइस को लेके, तो ऐसे बताया जा रहा है कि Realme 7 सीरीज भी 5G स्मार्टफोन सीरीज होने वाला है। Realme 7 Pro स्मार्टफोन एक 5G डिवाइस होने वाला है। तो आइए जान लेते हैं Realme 7 Pro स्मार्टफोन के अंदर हम लोग को क्या कुछ खास फीचर्स मिलने वाला है, स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन क्या होगा एंड Realme 7 Pro स्मार्टफोन कब तक एंड कितने प्राइस के अंदर इंडिया मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपसे की रिक्वेस्ट होगा वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। गाइस अभी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में सबसे ज़्यादा हाइप चल रहा है वन प्लस नॉट स्मार्टफोन को लेके, जो 25,000 प्राइस में लॉन्च किया है। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि Realme 7 Pro स्मार्टफोन डायरेक्ट कम्पीट करेगा वन प्लस नॉट स्मार्टफोन को, क्योंकि वन प्लस नॉट की तरह Realme 7 Pro भी एक 5G डिवाइस होने वाला है एंड इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर मिलने वाला है। तो गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है एंड आश्चर्य में तो सभी स्मार्टफोन यूजर स्पेसिकली गेमिंग के लिए स्मार्टफोन परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ Realme 7 Pro स्मार्टफोन भी एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन, अच्छा एक कंप्यूटर हो सकता है वन प्लस नॉट स्मार्टफोन का। तो यहाँ पे Realme 7 Pro स्मार्टफोन भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर के साथ। साथ ही में जो वेरिएंट मिलने वाला है 6GB 64GB एंड 6GB 128GB एंड 8GB 128GB स्टोरेज के साथ। अभी बात करते हैं स्मार्टफोन का डिज़ाइन को लेके, तो यहाँ पे एक टीना लिस्टेड हुआ है एक डिज़ाइन, कुछ नए डिज़ाइन, कुछ नए कमाल का प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलता है इस बार Realme 7 Pro स्मार्टफोन के अंदर। बैक साइड का जो कैमरा सेटअप यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलता है, बैक साइड का पैनल बहुत ही प्रीमियम देखने को मिलता है। साथ ही में जो Realme का ब्रांडिंग बहुत ही प्रीमियम लुक्स के साथ आने वाला है Realme 7 Pro स्मार्टफोन। बैक साइड का जो पैनल होगा ग्लास बैक के साथ ग्रेडियन कलर के साथ क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जहाँ पे मेन प्राइमरी सेंसर मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का। गाइस आप लोगों को बता दूँ काफ़ी सारे आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर Realme 7 Pro को लेकर, जहाँ पे बताया जा रहा है कि 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर के साथ Realme 7 Pro लॉन्च होगा। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ पे जो ट्रू है 64 मेगापिक्सल सेंसर के साथ आने वाला है Realme 7 Pro। जो सेंसर होगा सैमसंग का GW1 का सेंसर होगा, काफ़ी अच्छा सेंसर है, काफ़ी बेहतर पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। बाकी जो तीन सेंसर मिलेगा अल्ट्रा वाइड एंगल डेप्थ सेंसर एंड मैक्रो लेंस या फिर टेलीफोटो लेंस, दोनों में से कोई भी एक लेंस आपको मिलने वाला है। साथ ही में फ्रंट का जो डिस्प्ले होने वाला है 6.6 इंच का एक सुपर एमोलेड पैनल डिस्प्ले होगा, जहाँ पे फुल एच डी प्लस का रेजुलेशन डिस्प्ले में आपको यहाँ पे डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। जो डुअल सेल्फी कैमरा होगा 32 मेगापिक्सल विथ 8 मेगापिक्सल, एक नॉर्मल शूट के लिए आपको वाइड एंगल सेल्फी मिलने वाला है, वाइड एंगल सेल्फी ले सकते हो। यहाँ पे सेम सेंसर होगा वन प्लस नॉट स्मार्टफोन की तरह। डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, ऐसा बताया जा रहा है कि 120Hz भी हो सकता है। साथ ही में यह डिस्प्ले काफ़ी प्रीमियम होगा एमोलेड डिस्प्ले के साथ, यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलने वाला है। तो नो डाउट काफ़ी प्रीमियम डिस्प्ले होगा एंड डिस्प्ले वन प्लस नॉट की तरह ही बहुत ही प्रीमियम होने वाला है। साथ ही में स्मार्टफोन का जो बैटरी मिलने वाला है 6000mAh का बैटरी विथ टाइप सी पोर्ट के साथ, यहाँ पे 30W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है। तो मुझे लगता है इतना प्रीमियम एक स्मार्टफोन के अंदर इतना अच्छा बैटरी परफॉर्मेंस हमें मिल जाए, तो मुझे लगता है गेमिंग स्मार्टफोन के लिए, गेमिंग यूज़र के लिए, काफ़ी सारे स्मार्टफोन यूजर के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है एंड गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे से ले सकते हो इतना पावरफुल बैटरी के साथ। तो गाइस मुझे लगता है बैटरी कमाल का होने वाला है स्मार्टफोन का। साथ ही में डिज़ाइन तो बहुत ही प्रीमियम हो रहा है एंड परफॉर्मेंस भी बहुत ही खास देने वाला है स्मार्टफोन के अंदर। अब बात करते हैं लॉन्च डेट एंड प्राइस को लेके, तो अभी तक Realme की तरफ से कोई भी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आया कि कब तक लॉन्च होगा, लेकिन लीक्स के अकॉर्डिंग अगस्त महीने के स्टार्टिंग में ये स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है इंडिया मार्केट में एंड स्मार्टफोन का प्राइस रखा जाएगा 21,999 रुपीज़, जो वन प्लस नॉट स्मार्टफोन से काफ़ी कम कीमत में लॉन्च किया जाएगा एंड सेम परफॉर्मेंस, सेम प्रोसेसर, सेम डिज़ाइन आपको मिलने वाला है वन प्लस नॉट की तरह ही Realme 7 Pro स्मार्टफोन के अंदर। तो ये स्मार्टफोन सच में कम्पीट कर पाएगा मुझे लगता है कि Realme 7 Pro। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि Realme 7 Pro लॉन्च होगा तो आप वन प्लस नॉट स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे या फिर Realme 7 Pro स्मार्टफोन, कमेंट करके बस जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही गाइस, वीडियो देखने के बाद शुक्रिया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साइफ को शेयर कर दीजिए एंड अगर आप हमारे चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लाऊंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद।